गाइज, अगर आप भी पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं और किसी भी वजह से उसको परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद ही अपने फोन की मदद से अपने पेटीएम फास्टैग को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। सारा कुछ बताऊंगा पूरी डिटेल में, इस वीडियो को आपको लास्ट तक का जरूर देखना है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं किंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए कुछ नया सीखें। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपका जो पेटीएम है वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपका पेटीएम अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपडेट करना है। आप प्ले स्टोर से जाकर वहां से अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर आपको ध्यान ये रखनी है कि आप उसी अकाउंट से लॉग इन हो जिस अकाउंट से आपने अपना पेटीएम फास्टैग को ऑर्डर किया था या फिर क्रिएट किया था। तो आपको यहां पर दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपका जो पेटीएम है वो अपडेट होना चाहिए और आप उसी अकाउंट से लॉगिन हो जिससे भी आपने अपना पेटीएम बाय किया था या फिर आपने क्रिएट किया था, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं प्रोसीजर क्या है पेटीएम को परमानेंटली क्लोज करने का। सो गाइज, यहाँ पर आप मेरा फ़ोन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना पेटीएम जो है उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड वगैरह है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सर्च पे और यहाँ पर टाइप करना है फास्टैग। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे फास्टैग, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैनेज फास्टैग का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने फास्टैग क्रिएट किया था इस अकाउंट से वो यहाँ पर शो हो रहा है, मेरे गाड़ी का नंबर और उसके बाजू में यहाँ पर एक्टिवेटेड लिख के आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर जरा सर आपका भी आपके सामने भी आपके गाड़ी का नंबर और एक्टिवेटेड लिख के आ रहा होगा, तो आपको उसको इस तरीके से टच करके टैप करके इसको ओपन कर लेना है। इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन है व्यू ऑल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लोज फास्टैग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्यों परमानेंटली पेटीएम फास्टैग को क्लोज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका जो भी रीज़न है, रिलेवेंट जो भी लगता है, आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, अदर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो भी आपका रीज़न है। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करूँगा फास्टैग इज़ नॉट इन यूज़। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, चेकमार्क कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का सामने पॉपअप आएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो पेटीएम फास्टैग है वो 5 to 7 days लगेगा, वर्किंग डेज लगेंगे इसको परमानेंटली क्लोज होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 जो हमारा रिफंड है वो हमारे पेटीएम वॉलेट में रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही हमारा पेटीएम फास्टैग है परमानेंटली क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लोज फास्टैग में, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी पेटीएम के पास और 5 to 7 working days के अंदर आपका पेटीएम फुल्ली परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे अपना जो पेटीएम है वो परमानेंटली क्लोज नहीं करवाना है। गाइज, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि आपने किस आईडी से जो पेटीएम फास्टैग है वो ऑर्डर किया था या फिर आपका आपने किसी एजेंट के थ्रू उसको बाय किया था तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अगर आपको पता है तो ही आप इस तरीके से अपने पेटीएम फास्टैग को क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेरी आईडी क्या है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू मंगाया है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम फास्टैग को कैसे क्लोज करें, अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड पता नहीं है फिर भी आप खुद ही अपने पेटीएम फास्टैग को कैसे क्लोज करवा सकते हैं परमानेंटली। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में।